सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप चलो खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। और आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो वसीम रिजवी जी का एक क्या बोले बोल सकते हैं कि वसीम रिजवी ने कुछ ऐसा बोला था कि जिसके बदले में फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनको जवाब दिया। तो रिजवी ने क्या बोला था, वसीम रिजवी ने क्या बोला था और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनको क्या जवाब दिया, इस वीडियो को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। गैर मुस्लिम के बिल्कुल वही हुकूक हैं जो किसके हैं, मुस्लिम के हैं। इंडिया में कुछ रोज़ कबल एक शख्स कुरान में चेंजिंग का बोल रहा था। इंडिया में ना कुछ रोज़ कबल एक क्लिप आया है कि एक साहब कह रहे हैं कि ये जिहाद की आयतें मुसलमानों ने कुरान में बाद में दाखिल की, ये कुरान में नहीं है। पूरी दुनिया में कुरान एक ही पढ़ा जाता है, समझ रहे हो? ये तो पागलों वाली बात है, बेवकूफ़ों वाली बात है कि कब हुई चेंजिंग, किस टाइम पे हुई। ऐसा थोड़ी कि पूरी तरावी तो हज़रत उमर ने 20 रकत तरावी शुरू करवाई थी, उस वक्त से ले कर अब तक तरावियों में कुरान पढ़ा जा रहा है। तो कहीं चेंजिंग हुई होती तो तरावियों में चेंज होता तो पीछे से लुकमा दिया जाता ना हाफिज़ लोग। बाकी इस्लाम जिस जिहाद की बात करता है, आप जो दहशतगर्दी की बात करते हो उसका उस जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। गैर मुस्लिम के बिल्कुल वही हुकूक हैं जो किसके हैं, मुस्लिम के हैं। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बल्कि कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैर मुस्लिम जो रहते हैं उनके इतने हुकूक बयान किए कि किसी ज़िम्मी ने जो आपकी रियासत में गैर मुस्लिम रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उस पर जुल्म करेगा क़यामत में उसकी तरफ से मैं बदला लूँगा। औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चाहते हैं कि जिहाद निकाल दें ताकि अभिनंदन अगर वहां से आए तो हमारा पायलट उड़े ही नहीं। ये जो इस्लाम में कुरान में जिहाद है ना, ये है कि अगर अभिनंदन, मैं अभिनंदन की इज्जत करता हूं क्योंकि उसने हमारी आर्मी की भी तारीफ की और पाकिस्तान की भी, एक किरदार के तौर पर मैं उसका नाम ले रहा हूं। ये लोग चाहते हैं कुरान से जिहाद निकालो ताकि अभिनंदन जैसा कोई जब जहाज लेके उड़े और हमारे मुल्क पे हमला करने के लिए आए तो हमें मोटिवेशन के लिए कुरान में कुछ भी ना मिले, हमें कुरान में ये मिले कि अगर कोई शख्स तुम पे जहाज लेके हमला करता है तो उसके लिए रात को तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगो। ये चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाएं। तो भाई हमें तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, कुरान से। अल्लाह ने कहा अय्यदुल लहुम मस्ततातुम मिन कुवा, किसी भी वक्त अभिनंदन दोबारा आ सकता है, पहले से अपने जहाज तैयार रखो। ये इस आयत का असल मतलब है कि कुव्वत जमा करके रखो। ये नहीं का खाम खामे पंगा लेने का इस्लाम हुक्म नहीं देता, वो भी इंसान है, उनको भी जिंदा रहने का हक है। खामखा की नहीं है कि बिला वजह दुनिया में फसाद मचाना शुरू कर दो, लेकिन कुरान हमें जिहाद का हुक्म देता है। घोड़े भी बांधो, स्तबल भी बनाओ, ट्रेनिंग भी लो। नबी ने फरमाया जिसने तीर चलाना सीखा और भूल गया हम में से नहीं है, समझते हो? वजह उसकी है कि इस्लाम को पता था कि अभिनंदन आता रहेगा तो हमारे पायलट भी इन आयतों को पढ़ पढ़ के उड़ते रहेंगे और चाय के होटल भी चलते रहेंगे, दूध पत्ती के मज़े भी आते रहेंगे। तो ये इसी वजह से है, कुरान में हमें मोटिवेशन मिलती है अपने मुल्क का दिफा करना है तो ये हमें तो ये तो चाहिए ना। और ये सिर्फ इससे मुसलमान को नहीं मोटिवेशन मिलती। इस्लाम में जिहाद का तस्वूर क्या है, ज़ालिम के खिलाफ, मज़लूम की मदद के लिए ज़ालिम के खिलाफ। ये तो दुनिया में अमेरिका भी यही कहता है, जापान भी यही कहता है कि मज़लूम की मदद करो, किसके खिलाफ, ज़ालिम के खिलाफ। तो वो मदद कभी मोहब्बत से होती है, कभी लड़के होती है। तो ये है। तो बाकी जो कोई दहशतगर्दी में आयतों को लेके जा रहा हो तो वो गलत वो अपने मतलब के लिए आयतों का गलत मतलब निकाल रहे हैं ना, उसको थोड़ी इस्लाम अप्रिशिएट करता है। वो तो कुरान में बहुत से लोगों ने गलत तफसीरें कर करके अपने मतलब की चीज़ें ले ली हैं, जैसे चार शादियों वाली बात तो कुरान से ले ली, अदल और बराबरी वाली बात कुरान से नहीं लेते। ऐसे लोग भी हैं शादी करते हैं बीवी का खर्चा नहीं उठा रहे, जब उनसे कहा जाए तो कह रहे हैं मुफ्ती साहब का बयान सुना है। तो खर्चे वाला बयान नहीं सुना आपने मुफ्ती साहब का कि खर्चा भी उठाना बनता है, अपने खर्चे पे लड़कियों को क्या बनाओ, अपनी बीवी को डॉक्टर बनाओ, ये वाला नहीं सुना होता उन्होंने, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो वो आधा जब लोगे कुरान तो फिर यही होगा ना, जैसे कुरान में आता है कुलू वशरबू खाओ और पियो, ये वाला ले लिया, आगे वाला तुसरिफू इसराफ मत करो, फजूल खर्ची मत करो, ये वाला
नहीं लिया। दुआएं कुरान में बहुत सारी हैं, आपने सिर्फ ये वाली ले ली, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह आसमान से दस्तरखान नाजिल कर दे। समझते हो कि नहीं समझते? अब्बा ने ये तो हुकूक पढ़ लिए कि बच्ची को इजाज़त नहीं है कि मेरे सामने उफ भी करे। कुरान में लिखा है बेटियां बाप और माँ के सामने उफ नहीं कर सकती, लेकिन अब्बा ने हदीसों में जो ये आया है कि बच्ची की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी मत करो, ये वाली हदीसें अब्बा को मालूम नहीं होती। तो ये फॉल्ट इस्लाम का नहीं है, ये फॉल्ट हमारा और आपका है कि हम अपने मतलब का इस्लाम लेते हैं। तो इसी तरह इस्लाम में जो जिहाद की आयतें हैं उसमें मकसद मज़लूम की मदद है, लेकिन अगर कोई उन आयतों की गलत तशरीह करके दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, फसाद फैलाता है, तो ये ना कुरान का कसूर है ना इस्लाम का कसूर है, बल्कि ये उस शख्स का कसूर है जो कुरान की आयतों को गलत मतलब में लेके जा रहा है, आधी आयतें ले रहा है आधी नहीं ले रहा। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल जायज़ बात बोली है इसमें कि लोग क्या करते हैं कि कुरान को पढ़ भी लिया, हमारी किताब है, हमारी स्क्रिप्चर है, ये हमने इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन नहीं जानते आप अच्छे से। क्योंकि क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा उसमें से जो जो चीज़ें तो उन्हें अपने मतलब की लगी और लगा कि हाँ इसमें मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, उसको तो इमिडिएटली वो लोग ग्रास्प कर लेते हैं और जो बाकी सब चीज़ें हैं उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरी चीज़ की थोरो नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने कुरान पढ़ा भी है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कुरान को पढ़ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रैस्प करनी चाहिए अच्छे से। सॉरी। तो अगर आधी अधूरी चीज़ आप देखेंगे और समझेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने आधी अधूरी चीज़ ली। जैसे कि जिहाद के लिए मैंने बहुत सुना हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे तो कुरान में लिखा हुआ है जिहाद करो जिहाद करो, और जिहाद का मतलब है कि मार दो दूसरे को। नहीं, जिहाद कभी, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में मैं भी ये चीज़ सुनती थी ना कि जिहाद 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 और कुरान में लिखा हुआ है जिहाद करना चाहिए मुस्लिम लोगों को, और इसीलिए वो लोग सबको मार देते हैं, वो लोग कहीं पर भी मतलब अगर एक्सक्यूज़ मी। तो उसमें क्या था कि पहले मैं भी जब ये चीज़ सुनती थी ना कि मीडिया से या कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में जब हमारा डिस्कशन होता था कि कुरान में ही लिखा हुआ है कि जिहाद मुस्लिम लोगों को जो जिहाद करना चाहिए, तो मैं हमेशा इस बात को लेकर ना हमेशा सोचती थी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है जब कुरान को ये बोला जाता है कि ये उस अल्लाह की खुद की बुक है, तो कैसे अल्लाह ये चीज़ कह सकते थे कि आप जिहाद कर दो और आप इनोसेंट लोगों को मार दो। तो ये चीज़ कभी भी ना मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। तो बट बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुरान ने कहीं कुछ नहीं बोला कि आप इनोसेंट लोगों को जाके बस कत्ल कर दो और उनको मार दो। जिहाद का एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप जो जालिम लोग हैं उनको मारो, जो आपके हक को ले रहे हैं या जो आपके साथ में कुछ ना इंसाफी कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई भी इंसान आपके साथ में कुछ ऐसा गलत कर रहा है तब तो ऑब्वियसली हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कोई भी हो, फिर तो उस बंदे को सामने आना ही पड़ता है। और कब तक वो ऐसे इनोसेंट सा बन के ऐसे शांति से बैठा रहेगा कि ठीक है आप मुझे मार लो, कब तक मार खा लेगा? कोई कभी भी मार नहीं खाता, आजकल तो बच्चे नहीं किसी से मार खाते। तो इसीलिए अगर आपको कोई, चलो बच्चों का तो मैंने वैसे बोला, लेकिन ये नहीं बच्चे भी जिहाद करने के लिए खड़े हो जाए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कि ऐसे कैसे आप लोगों ने हमें बोल दिया हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है मेरे कहने का मतलब। लेकिन ये है कि अपने हक के लिए हमेशा हम लोगों को उठना चाहिए, हमको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ हमारे अगेंस्ट कुछ चीज़ गलत हो रही है। वो तलवारों वाली और मारना काटना तो अलग जिहाद है, लेकिन जिहाद अगर हम देखें तो हर चीज़ में जिहाद हो जाता है। हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमारे हक की चीज़ किसी दूसरे को मिल रही है, तभी भी हम लोगों को क्वाइटली नहीं बैठना चाहिए, हम लोगों को इमिडिएटली आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए भैया सारा कुछ तो मैंने किया, कैसे दूसरा बंदा मेरा हक लेके जा सकता है। तो जब तक हम अपनी आवाज़ रेज नहीं करेंगे तब तक मतलब दूसरे लोग हमें दबाते ही रहेंगे।
अगर मैं ये बोलूं कि हमारी होली बुक में कहीं पर भी जिहाद का जिक्र नहीं है तो वो सच है, लेकिन फिर भी हम लोग भी कभी अगर हमारा हक कोई और ले रहा है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, जरूर बंदा बोलेगा। इवन अगर हम देखें कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कि अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे को मारने जा रहा है, अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए किसी दूसरे का कत्ल कर देता है तो उसमें मीन्स एज पर द लॉ ऑल्सो उस बंदे के अगेंस्ट में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते, क्योंकि उस बंदे ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले बंदे का कत्ल किया है। और मुफ्ती साहब ने ये बोला है कि कुरान में जो जिहाद लिखा गया है उसको जो बाकी बोल दो कि जो गवर्नमेंट है वो इसलिए अपने मुस्लिम लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूज करती है ताकि उन लोगों में और ज्यादा जोश आए और वो लोग मतलब अपने दुश्मनों के अगेंस्ट में हमेशा लड़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहें। तो लेकिन हमेशा जिहाद का पहले लोगों को सही जो उसका मीनिंग है वो बताना चाहिए कि जिहाद का मीनिंग ये है, ये नहीं कि आप बस जाओ और मार काट कर दो और आपको जन्नत मिल जाएगी। नहीं, जन्नत कब मिलेगी ये हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं कि अल्लाह ने क्या बोला है कि आपको कब जन्नत मिलेगी। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ही क्लियरली बोल दिया। तो जो भी मुफ्ती हैं, मौलाना हैं और जो भी मौलवीज हैं, उन लोगों को हमेशा लोगों को जो कुरान का रियल मैसेज है वो ही कन्वे करना चाहिए। कभी भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम सामने वाले बंदे को मिसलीड कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई बंदा दिल में बहुत श्रद्धा लेके आ रहा है और वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि मैं तो जो भी इस होली बुक में से सुनूंगा और जो भी मेरे अल्लाह का या मेरे रब का मैसेज है इसमें हमारे लिए उसी को फॉलो करूंगा, तो थिंक अबाउट दोज इनोसेंट पीपल कि वो लोग आपके पास इस विश्वास के साथ आ रहे हैं कि अल्लाह का जो रियल मैसेज है उम्मत के लिए आप वही पढ़ के बताएंगे और उनको मिसलीड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ सबको अपने दिमाग में रखनी चाहिए किसी को भी कोई वर्ड का ट्रांसलेशन बताने से पहले। यही एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज है कि जब तक हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ लेंगे और अपने दिलों से वो मैल को नहीं खत्म कर लेंगे, तब तक हम लोग हमेशा दूसरे रिलीजन को गलत ही सोचते रहेंगे और सोचेंगे हमारा रिलीजन ही सबसे बढ़ के है। कोई भी एक रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन से ऊपर नहीं है, सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, और क्योंकि सबका खुदा एक ही है। हर रिलीजन बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, रब एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, तो सब एक है। तो जब सब एक है तो अल्टीमेटली सब लोग ये विश्वास करते हैं कि रब एक ही है, चाहे वो उनको किसी भी नाम से एड्रेस करते हो, तो क्यों लड़ाइयाँ करनी आपस में। मैं तो जब भी ये लड़ाइयाँ देखती हूँ ना कि मतलब धर्म को लेकर या किसी ऐसी चीज़ को लेकर लोग लड़ पड़ते हैं, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है और समझ नहीं आता कि क्यों धर्म के लिए लड़के जब मर जाओगे और जाओगे वहां ऊपर खुदा के पास, उस रब के पास में, तो रब सबसे पहले ये पूछेंगे ये भी तो मुझे ही मान रहे थे, ये भी तो मुझे ही मान रहे थे, तो आप लोगों ने आपस में क्यों लड़ाइयां कर ली। तो कभी मत सोचो कि हम किसी दूसरे धर्म के अगेंस्ट हैं, हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, सारे ह्यूमन बीइंग जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, सबको इस धरती पे इस दुनिया में रहने का सेम इक्वल राइट्स हैं। तो सबकी रिस्पेक्ट करो, सबसे प्यार करो, और आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं जी। बाय बाय।